हे फ्रेंड्स, आज क्या बना है? आज बना है आटे के चॉकलेट क्रीम बिस्किट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। एक बार आपने टेस्ट कर लिया तो बाहर वाले बिस्किट्स आप बिल्कुल ही भूल जाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसे बनाया है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दे और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो डो बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप चीनी, एक कप गेहूँ का आटा, आधा कप बेसन, एक कप मक्खन, एक टीस्पून बेकिंग पाउडर और 4 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर। बिस्किट का क्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 कप मक्खन, आधा कप शुगर और दालचीनी पाउडर। सबसे पहले एक बाउल में हम ऐड करेंगे मक्खन और फिर पिसी चीनी। जो नॉर्मल घर वाली चीनी होती है उसे मिक्सी में पीस लें। फिर इसे हम हैंड बीटर की मदद से बीट करेंगे। ध्यान रहे कि जो मक्खन हम यूज़ कर रहे हैं वो रूम टेम्परेचर का हो, रेफ्रिजरेटेड बिल्कुल ना हो। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 2 पिंच दालचीनी पाउडर और फिर से इसे हम बीट करेंगे। आप चाहें तो मक्खन को थोड़ा सा मेल्ट भी कर सकते हैं। अब इसे हमें ऐसे ही बीट करना है, हाथों से मेहनत करवानी है, क्योंकि आप तो जानते ही है मेहनत स्वाद लाएगी। अब इसे सॉफ्ट फ्लफी होने तक बिल्कुल इसे ऐसे ही बीट करते रहें। ये देखिए, थोड़ी सी देर में ये कुछ ऐसी हो जाएगी। ऐसी ही हमें चाहिए एकदम परफेक्ट क्रीम। ये देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है ये। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसे हम 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। फिर दूसरे बाउल में हम ऐड करेंगे मक्खन, फिर उसमें हम ऐड करेंगे पिसी चीनी और फिर से हम इसे हैंड बीटर की मदद से बीट करेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं डो बनाने के लिए। ये देखिए, कुछ इस तरीके का ये तैयार हो जाएगा, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, परफेक्ट ये हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, यानी अपना आटा, बेसन, आप चाहें तो बेसन ना डालें। फिर इसमें ऐड करेंगे हम कोकोआ पाउडर, बेकिंग पाउडर और जो भी बची हुई हमारी दालचीनी पाउडर थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है ताकि अच्छी सी खुशबू आए। अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। अब हाथों की मदद से हम इसे मिक्स करेंगे और इसका एक डो तैयार करेंगे, जैसे हम वो आटे वाला बनाते हैं ना वैसे ही। बस इसमें पंचेस नहीं लगाने हैं, सिर्फ इतना कि ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ जाएँ कुछ इस तरीके से। ये हमारा परफेक्ट डो तैयार हो गया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। फिर मैंने एक स्टील की प्लेट ली है और उसके साइज़ का बटर पेपर काट लिया है। अब हम बिस्किट्स बनाएंगे। अपने जो डो है उसका थोड़ा सा पोर्शन ले और उनसे ऐसे गोल गोल नचा ले। फिर उसे दोनों हथेलियों के बीच में रख कर इस तरीके से गोल गोल घुमा दे इन्हें और थोड़ा थोड़ा ऐसे प्रेस भी करते रहें। ध्यान रहे कि थोड़ा सा पतला ही रखे बिस्किट्स। ये देखिए, अब इस पर हम डिज़ाइंस बनाएंगे जुगाड़ से। ये देखिए, जो पकौड़ी छानते हैं ना, जिससे हम उसका पीछे वाला पोर्शन रख के ऐसे इस पर प्रेस कर दीजिए। बन गया ना एकदम मस्त वाले डिज़ाइन इस पर। अब दूसरे भी मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। फिर से थोड़ा सा पोर्शन ले और ऐसे गोल गोल उसे घुमाएं अपनी उंगलियों के बीच में इस तरीके से। फिर इसे हथेलियों के बीच में रख कर नचाएं, एकदम डांस करा दे इसे। ये फिर थोड़ा सा प्रेस कर दे जिससे ये पतला हो जाए। अब इस पर भी हम वही पकौड़ी वाला डिज़ाइन बनाएंगे। ये पीछे वाला पोर्शन लेके और ऐसे प्रेस कर दे। इसी तरीके से मैंने अपने सारे बिस्किट्स तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें हम बेक करेंगे। मैंने पहले ही एक कढ़ाई प्री हीट कर ली थी। आप 10 मिनट पहले ही एक खाली कढ़ाई ढककर इस तरीके से लो फ्लेम पे छोड़ दे। अब इसमें मैं अपने स्टील की प्लेट जो थी जिसमें बिस्किट्स थे वो रख के और इसे कवर कर दूँगी और इसे 25 मिनट तक हमें लो फ्लेम पर बेक करना है। अच्छा सुनो सुनो, बीच बीच में ना इस तरीके से ढक्कन हटा हटा के जो हम चेक करते हैं ना, हमें इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें इसे बिना छेड़े 25 मिनट तक बेक करना है। मिलते हैं 25 मिनट के बाद। 25 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका ढक्कन हटा कर देखते हैं। ये देखिए, हमारे बिस्किट बिल्कुल तैयार है, एकदम खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब फ्लेम को ऑफ करके हम इसे बाहर निकाल लेंगे। अब इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी। अब मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये देखिए, एकदम मस्त बिस्किट तैयार हुए हैं ये। आप चाहें तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं।
ये रही हमारी क्रीम, अब इस पे हम क्रीम लगाएंगे। ये मैंने फ्रिज में रखी थी जो हमने, अब इसे हम बाहर निकालेंगे और इस तरीके से उंगलियों पे राउंड करके इसके एकदम सेंटर में हमें रख देना है। और दूसरा बिस्किट उठाना है और इसके ऊपर रख के हमें प्रेस कर देना है। ये देखिए बिस्किट बिल्कुल तैयार है। इसका एक दूसरा तरीका ये है कि आप क्रीम को ले और इसके सेंटर पे रख के अपनी उंगलियों की मदद से इसे पूरा स्प्रेड कर दें, कुछ इस तरीके से पूरा राउंड शेप में फैला दें इसे और इसके ऊपर दूसरा बिस्किट रख दें। तैयार हो गए हमारे आटे के चॉकलेट क्रीम टेस्टी यम्मी हेल्दी बिस्किट्स। मैंने सारे बिस्किट्स इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं। आप भी ट्राई करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपके बिस्किट्स कैसे लगे, टेस्ट कैसा है। ये मैं आपको थोड़ा सा तोड़ के भी दिखाती हूँ बिस्किट। ये देखिए एकदम सॉफ्ट बिस्किट तैयार है ये हमारे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।